गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट थर्ड का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बोर्ड RGB को एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट एग्ज़ाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, इसरो DRDO, कोई भी किसी तरह का कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम, नेट हो, उसमें ये क्वेश्चन रिलेटेड एक न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पक्का आता है। तो वो टॉपिक है हमारा CPU शेड्यूलिंग। हम लोग बहुत सारे टाइप की CPU शेड्यूलिंग पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा 3 क्लास में जाएगा, तो हम लोग ये देखते हैं आज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शेड्यूलिंग क्या होता है, वो हम लोग समझेंगे। तो शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस और वर्क इज डन टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। तो शेड्यूलिंग प्रोसेस की या वर्क इसलिए की जाती है ताकि टाइम मिनिमम टाइम में या एफिशिएंटली हम वर्क कर सके या प्रोसेस अपना काम कर सके। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अलग अलग टाइम पढ़ना पड़ेगा प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। तो वो सारे टाइम हम देखेंगे प्रोसेस के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम वो टाइम होता है जब प्रोसेस अराइव करती है रेडी क्यू में, तो उस टाइम को हम बोलते हैं अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब टाइम एट विच प्रोसेस कम्प्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, वो टाइम जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेती है, राइट। नेक्स्ट इज बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है जो रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस को CPU एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब उसे CPU कितनी देर के लिए चाहिए अपने पास प्रोसेस को ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन कर सके। ये तीनों टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं टाइम पर जो बेसिक टाइम है हमारे बेसिक टाइम यूनिट है, इन्हीं टाइम पर बेस पर हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालते हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में निकालने आता है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ये कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम का डिफरेंस होता है। तो टर्न अराउंड टाइम को हम कह सकते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, जबकि वेटिंग टाइम डिफरेंस होता है टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम का। तो वेटिंग टाइम को हम लिख सकते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये हमें जितनी भी प्रोसेस दी रहेगी सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अगर आती है, उन सभी का निकालना है और उससे फिर हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाल सकते हैं, जितना भी टर्न अराउंड टाइम आएगा हर प्रोसेस का उनको ऐड करना है और जितनी टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस हैं उससे डिवाइड करना है। इसी तरह से हम एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम होगा टोटल नंबर ऑफ जितना भी वेटिंग टाइम आया होगा हर प्रोसेस का, उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से। इस तरीके से हम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि व्हाई डू वी नीड शेड्यूलिंग, हमें शेड्यूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो इसका आंसर क्या है वो हम देखते हैं। A typical process involves both input-output time and CPU time. In a uniprogramming system like MS-DOS, time spent waiting for input-output is wasted and CPU is free during this time. In multiprogramming system, one process can use CPU while another is waiting for input-output. This is possible only with process scheduling. मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ, uniprogramming system होती है जब सिर्फ एक ही signal processing हो रही होती है, तो MS-DOS जैसे एग्जांपल है, तो क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस कुछ काम कर रही है या प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही है तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। मगर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में अगर एक प्रोसेस CPU यूज़ कर रही है तो दूसरी प्रोसेस वेट कर सकती है इनपुट आउटपुट के लिए। तो इसको हम कैसे पूर कर सकते हैं सॉल्व, इसको हम प्रोसेस शेड्यूलिंग की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के। पहला है मैक्सिमाइज करना CPU यूटिलाइजेशन, CPU को हमेशा बिजी रखना, ठीक है। फिर फेयर एलोकेशन ऑफ CPU को प्रॉपरली फेयरली तरीके से हर प्रोसेस को अलॉट करना। नेक्स्ट है मैक्सिमम थ्रूपुट निकालना, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम, राइट। इसको मैक्सिमाइज करना। फिर मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, मतलब टाइम टेकन बाय प्रोसेस टू फिनिश टाइम एग्जीक्यूशन, इसको मिनिमम करना, इसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। जबकि मिनिमम वेटिंग टाइम क्या होगा, टाइम अ प्रोसेस वेट्स इन रेडी क्यू, इसको भी मिनिमाइज करना कि कितनी देर वेटिंग क्यू में कोई प्रोसेस रहती है, इसको मिनिमाइज करना, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। देन रिस्पॉन्स टाइम को भी मिनिमाइज करना, मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्स कब किस प्रोसेस को मिलता है, इस टाइम को भी क्या करना, मिनिमाइज करना। ये सारे ही हमारी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऑब्जेक्टिव्स हैं। कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव पा लेती हैं, कुछ नहीं पाती हैं। उन्हीं के बेसिस पर अलग अलग टाइप ऑफ शेड्यूलिंग के लिए हम अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग शेड्यूलिंग यूज़ करते हैं। तो आज हम एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम ये जो हमारा ये हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसको स्किप करके 2 या 3 एल्गोरिथम विथ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो
तो आज सबसे पहले हम लोग एफ सी एफ एस दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस एल्गोरिथम देखते हैं। तो ये एल्गोरिथम सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है और ये किस बेसिस पे शेड्यूल करती है कि जो प्रोसेस प्रोसेस सबसे पहले आएगी उसको एग्जीक्यूट होने का मौका मिलेगा। और ये एल्गोरिथम जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव होती है, मतलब एक बार कोई प्रोसेस अगर एंटर कर जाती है प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो अपना जितना भी उसका बर्स्ट टाइम है वो कंप्लीट करके ही बाहर आती है। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस को जो रिक्वेस्ट पहले करेगी उसी को सीपीयू पहले अलॉट होगा। राइट, तो ये एक्चुअली फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के से इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। अब इसका एक और ये सफ़र करती है कॉन्वॉय इफेक्ट से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये एल्गोरिथम क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन दी है हमें, एक क्वेश्चन दिया है। इसमें एफ सी एफ एस दी के लिए एक प्रोसेस दी हुई है, पांच प्रोसेस P1, P2, P3, P4, और इनके बर्स्ट टाइम दिए हुए हैं 5, 24, 16, 10 रिस्पेक्टिवली। मतलब P1 को 5 मिली सेकेंड बर्स्ट टाइम लगता है। मतलब P1 को अगर CPU के लिए एग्जीक्यूशन कराना, CPU में एग्जीक्यूशन होना है, तो वो 5 मिली सेकेंड में कंप्लीट कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हमेशा जो हम एक गांट चार्ट बनाते हैं, गांट चार्ट ये दिख रहा है, एक तरह की नंबर लाइन टेबल होती है, इसके अकॉर्डिंग ही चलता है कि टोटल कितना टाइम लगेगा और हर एक प्रोसेस को कितना वेटिंग टाइम है, इस गैंट चार्ट की मदद मतलब से हम लोग निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है, अराइवल टाइम 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसकी लेंथ हमें निकालनी है जो कि यहाँ पे मिली सेकेंड में दी हुई है। तो हमें एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना रहता है। तो आप देखिए इसमें P1 प्रोसेस ये सभी 0 अराइवल टाइम पे आ चुकी है, मतलब पैसे पहले से ही रेडी क्यू में मौजूद है सारी प्रोसेस। तो सबसे पहले P1 आएगी क्योंकि यहाँ प्रोसेस आईडी नंबर के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो बाई डिफॉल्ट हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे P1, P2, P3, P4 और P5 तक। P1 आएगी तो इसका बर्स्ट टाइम 5 मिली सेकेंड है। तो 0 से 5 तक यहाँ देखिए P1 को अलॉट किया गया है गैंट चार्ट में, तो P1 यहाँ तक एग्जीक्यूट होगी। फिर P2 जो होगी फिर 24, तो 5 प्लस 24 29, तो ये 29 तक जाएगी। इसी तरह से P3 जो है वो 29 से 45 तक 16 मिली सेकेंड बर्स्ट टाइम इसको मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। फिर इसी तरह से P4 10 के लिए जाएगा, तो 45 प्लस 10 55, और P5 जो है 3 मिली सेकेंड के लिए बर्स्ट टाइम ले रही है प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, तो 55 से 58 तक ये हो यहाँ पे हो सकता है। अब हम किस तरह से निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम देखते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ा है हमने कि वेटिंग टाइम जो होता है वो स्टार्टिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है। मतलब एक एक करके हम लोग देखते हैं, तो ये वेटिंग टाइम को हम लिख सकते हैं कि जब प्रोसेस को सबसे पहले अंदर आने मिल गया और ठीक है, और मतलब वो अराइव की और उसमें से हम माइनस करेंगे स्टार्ट अराइवल टाइम स्टार्टिंग टाइम से माइनस करेंगे। जीरो तो P1 प्रोसेस को 0 से ही स्टार्ट हुई और अराइवल भी 0 पे हुई, तो इसका वेटिंग टाइम क्या होगा, 5 माइनस 0 5 माइनस 5 0 माइनस 0। तो इसका P1 का वेटिंग टाइम क्या आएगा, क्योंकि उसने वेट ही नहीं किया, वो 0 पे ही आई थी और उसे 0 पे ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए होना मिल गया, CPU एग्जीक्यूशन के लिए मिल गया, इसलिए P1 का वेटिंग टाइम 0 होगा। जबकि P2 आ तो 0 पे गई थी मगर वो उसको कब मिला प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, CPU 5 पे, तो इसको कितना वेट करना पड़ा, 5 माइनस 0 5। इसी तरह से P3 देखो 0 पे आ गई थी और उसको मिला कब, 29 पे, तो 29 माइनस 0। इसी तरह से P4 45 माइनस 0 45 मिली सेकेंड, P5 55 माइनस 0 55 मिली सेकेंड। तो इससे अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो इन सभी वेटिंग टाइम को ऐड कर लेंगे और हम टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 5 से डिवाइड करेंगे, तो वो आएगा 25 मिली सेकेंड। क्लियर है, इतनी इस तरह से हम टर्न अराउंड टाइम भी निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं, वो हम देखते हैं क्या होता है। तो टर्न अराउंड टाइम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम वेटिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम प्लस वेटिंग टाइम कर सकते हैं इन वेटिंग क्यू, या इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है जो मैं आपको बताता हूँ। टर्न अराउंड टाइम मतलब होता है जब प्रोसेस ने अपना टाइम कंप्लीट हो गया, वो एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हो गया, माइनस जब उसको माइनस वेटिंग टाइम जिसका जितना आया वो होगा। जैसे आप देखें P1 कब खत्म हुई, 5 पे, और उसको वेट कितना करना पड़ा, 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम आएगा 0, तो 5 माइनस 0 मतलब 5 आएगा, देखिए तो 5 मिली सेकेंड आया है। इसी तरह से आप P2 देखें, P2 अपना एग्जीक्यूशन कब खत्म कर पाई, 29 पे, और उसको कितना वेट करना पड़ा, उसको वेट करना पड़ा 5 मिली सेकेंड, तो 29 माइनस 5 कितना आएगा, 24, तो टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा इसका, सॉरी 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 29 पर कंप्लीट हुआ है और वो कब आई थी, 0 पे आई थी, तो उसको कितना वेट करना पड़ा, टोटल टर्न अराउंड कितना है, 29। इसी तरह से P3 का होगा 29, P4 का होगा 45 55, और P5 का होगा 58। ये क्लियर हुआ सभी को, मैं एक बार और क्लियर करना चाहूँगा,
P1 का टर्नअराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, P1 कब आई थी, P1 जीरो पे आ गया था और कब कंप्लीट हुआ, 5। P1 का टर्नअराउंड टाइम क्या होगा, 5 माइनस 0 5। जबकि P2 का कैसे निकालेंगे, P2 कब आया था, जीरो, और ख़त्म कब हुआ, 29। तो 29 माइनस 0 29, तो 29 आएगा, सॉरी हाँ 29। इसी तरह से P3 कितना आएगा, P3 कंप्लीट हुआ था 45 पे और आया कब था, जीरो पे, तो इसका टर्न अराउंड टाइम 45 हुआ, देखिए यहाँ 45। इसी तरह से P4 का 55 और P5 का 58, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 192 मिली सेकेंड आएगा और टोटल 5 से डिवाइड करेंगे 38.4 आएगा। ये हमारा इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम होगा। अगर हम थ्रूपुट निकालना चाहते हैं, थ्रूपुट हम कैसे निकाल सकते हैं इस प्रोसेस का, हम देखेंगे कि इन सभी प्रोसेस का जो P1 P1 P2 इनका जो टोटल टाइम एग्जीक्यूशन है वो कितना है, 5 24 16 10 और 30। इन सबको हम ऐड कर लेंगे और फिर उससे 5 से डिवाइड करेंगे तो हर प्रोसेस को एवरेज कितना टाइम मिला है एग्जीक्यूट होने के लिए, 11.6। तो इससे थ्रूपुट निकल आएगा। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर और भी टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखते हैं। आज के लिए काफ़ी इतना, थैंक यू।